Now next one is session just provide करूँगा array versus pointer properties. जब भी आप कोई भी array access करते हो using in the form of a of i, तो a of i memory के अंदर कभी भी directly process नहीं होता, array a of i process होता in the form of pointer representation. इसमें सारे के सारे array expression memory level पर अगर बात करें तो memory level पर किस form में process होंगे, in the form of pointers. For examples, पर आप just write down कुछ just syntax as a of i, then a of i का equivalent internal conversion क्या रहेगा in the form of corresponding pointer representation. इसको pointers के form में represent करोगे as a star a plus i, clear. Similarly, star a plus i का equivalent conversion क्या हो सकता है a of i, दोनों को meaning कैसे है exactly same meaning. Just इस case में इस complete session में discuss करूँगा given property. This is the most important property regarding array concepts. इस property को details में explain करने के लिए जैसे मैं एक array declaration provide करूँ like int a of 5. इस case में मैं simply एक array create करूँ, इसे array का size क्या है 5. This array contains 5 elements with the initial value as 10, 20, 30, 40 and 50. इसे से examples के basis पर आपके लिए given property easily समझना possible है. इसे से array declarations के according memory के अंदर total कितने elements create होंगे, there are 5 elements. What is the value of first element? 10. Second element is 20, 30 and 40, 50. अगर इसे array का base address 100 है या first element का address 100, then next element का address क्या होगा 102, 104, 106 and 108. Already मैंने discuss किया था during pointers. What is the working of star operator? इसका just working क्या था? It is applicable only for memory address. Means star only address के साथ apply करना possible. Required operand should be address type. जब भी star को address के लिए apply करो, तो इस case में just written क्या हुआ? Value of that address. इसलिए इस operator का just name क्या है? It is known as value contents operator. Just इसके property को reuse करेंगे in that case. और इस particular case में A क्या? A is a name of this block. और A is a name of this complete array. अगर इसे array के respect में जस्ट बात करें, तो अभी तक मैंने names किस form में provide किए थे, like a0, a1, a2, a3, a4. लेकिन ये सारे के सारे name internally process किस form में, in the form of pointers. इस अगर इसे particular case में first element का address 100, then first element का actual name क्या होगा इस case में, आ जा star 100 same as next case. Next element का name क्या होगा? Star 102, star 104, star 106 and star 108. ये सारे डिस्कशन रिलेटेड किससे? रिलेटेड टू पॉइंटर्स. इन दैट केस फाइनली इस केस में अगर मैं राइट डाउन करता हूं, जस्ट इसके अदर नेम्स क्या हैं? a0 a1 a2 a3 एंड a4. अगर आप किसी भी प्लेसेस पर एरे का नेम यूज करते हो, देन एरे नेम इटसेल्फ ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या करता है? बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, क्लियर. और सिंपली मैं यूज कर रहा हूं एज एरे नेम एज ए, क्लियर. देन इस केस में ए के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ? 100. सिमिलरली अगर मैं राइट डाउन करता हूं एज a+1, ए प्लस का इक्विवेलेंट मीनिंग क्या रहेगा? ए के प्लेस पर क्या आएगा? जस्ट 100. देन इसका जस्ट मीनिंग क्या हुआ? 100+1. और 100 इस केस में क्या है? होल एरे का एड्रेस या फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. ऑलरेडी मैंने नोट डाउन किया है, एरे नेम इटसेल्फ इज अ बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. मींस अगर आप किसी भी प्लेसेस पर एरे का नेम यूज कर दो, देन एरे के नेम के प्लेसेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है? एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस की बात करें तो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है? जस्ट 2 बाइट्स. जब भी आप किसी भी एड्रेस में 1 से इंक्रीमेंट कर दो, देन इंक्रीमेंट कितने से होता है डिपेंड करेगा ये एड्रेस कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर ये एड्रेस 10 बाइट्स का होता है, देन इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा? 10 से. अगर ये एड्रेस 2 बाइट्स का, देन इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा? 2 से. तो फाइनली इस केस में इंक्रीमेंट जस्ट एड्रेस कितने बाइट्स का है? ये इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है? 2 बाइट्स. इसलिए इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा? 2 से. तो फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या आएगा इसका? इक्विवेलेंट 102. सिमिलरली अगर इस प्लेस पर मैं अप्लाई करता हूं जस्ट स्टार, राइट डाउन क्या करता हूं? स्टार a+i, देन इसका मीनिंग क्या हुआ?
स्टार 100 प्लस 1 देन फाइनली 100 में जब 1 का एडिशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 102 अप्लाई किया होगा स्टार जब स्टार 102 के लिए अप्लाई करेंगे स्टार जस्ट रिटर्न क्या करेगा वैल्यू अवेलेबल एट दैट एड्रेस मींस 102 में वैल्यू क्या स्टोर है 20 तो फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या आएगा एग्जैक्टली 20 इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 20 जस्ट इस कन्वर्जन को प्रोवाइड करूं फर्स्ट केस अगेन इस पर्टिकुलर केस में एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के टोटल अप्रोच कितने हैं फर्स्ट वन अगर मैं राइट डाउन करता हूं ए ऑफ 0 देन इस प्रीवियस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आई के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ 0 देन फाइनली इस पॉइंटर कन्वर्जन में इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन के अंदर आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे एग्जैक्टली 0 देन ए के प्लेस पर बात करें तो ए क्या ए इज अ नेम ऑफ सॉरी ए जब बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 प्लस 0 रिजल्ट क्या आएगा इस केस में सिंपली स्टार 100 स्टार फाइनली अप्लाई किस प्लेस पर हो रहा है इट इज अप्लाइड फॉर मेमोरी एड्रेस 100 देन फाइनली इसे रिटर्न क्या हुआ वैल्यू अवेलेबल एट 100 एड्रेस और 100 एड्रेस में वैल्यू क्या है 10 रिजल्ट क्या मिलेगा इसका 10 और ए ऑफ 0 के केसेस में रिजल्ट क्या है ऑल्सो 10 फाइनली इस केस में डिस्कस क्या किया था ए ऑफ आई प्रोसेस्ड एज ए प्लस आई वन मोर केस अगर मैं यूज करता हूँ ए ऑफ 1 देन ए ऑफ 1 में वैल्यू क्या स्टोर है 20 आपको 20 डायरेक्टली मिल जाएगा लेकिन इसका मेमोरी में जस्ट रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स अगेन इसका पॉइंटर में कन्वर्ट करेंगे स्टार ए प्लस आई ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा जस्ट 100 एंड आई के प्लेस पर क्या है जस्ट 1 देन अगेन इसका कन्वर्जन क्या स्टार 100 प्लस 1 100 में 1 से एडिशन क्या कराएंगे तो 100 क्या है एड्रेस ऑफ इंटीजर टाइप क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का टाइप क्या है इंटीजर इंटीजर के एड्रेस में जब भी 1 से इंक्रीमेंट करते हैं तो फाइनली इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा 1 से और 2 से तो इस केस में फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला स्टार 102 और 102 के साथ जब स्टार अप्लाई करो तो इस केस में स्टार क्या रिटर्न करेगा आपको वैल्यू अवेलेबल एट 102 एड्रेस में वैल्यू क्या फंड हो रहा है 20 देन इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको एज 20 सेम एज इन केस ऑफ ए ऑफ 2 ए ऑफ 2 के केस में इसका पॉइंटर कन्वर्जन क्या रहेगा स्टार ए प्लस 2 ए के प्लस पर क्या पुट करेंगे 100 एंड 2 आई के प्लस पर क्या आएगा 2 नेक्स्ट वन 100 में 2 से इंक्रीमेंट करो तो इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 से क्या आएगा फाइनली स्टार 104 और स्टार 104 लोकेशन में वैल्यू क्या फंड हो रहा है वैल्यू इज 30 और आप सिंपली यूज कर दिया जाए ए ऑफ 2 तो डायरेक्टली आपको ए ऑफ 2 के प्लेस पर क्या मिलता है ऑल्सो 30 फाइनली दिस इज द रिलेशन बिटवीन पॉइंटर एंड एरे मीन्स जब भी आप कोई एरे एक्सप्रेशन राइट डाउन कर दो बाई फॉलोइंग सिंटेक्सिस ऑफ एरे देन एरे डायरेक्टली प्रोसेस हो रहा है पॉइंटर्स के फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स फाइनली इस केस में कंक्लूजन क्या है इस पर्टिकुलर केस में इसको राइट डाउन करने के अदर अप्रोच क्या हो सकते हैं मीन्स ए ऑफ 0 कैन बी रिटन एज स्टार ए प्लस 0 सेम एज ए ऑफ 1 के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर सकते हो स्टार ए प्लस 1 ए ऑफ 2 का इक्विवेलेंट मीनिंग क्या हो सकता है स्टार ए प्लस 2 सेम एज स्टार ए प्लस 3 एंड स्टार ए प्लस 4 दिस इज द इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन मीन्स फाइनली अभी तक आपको एरे के जैसे एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के अप्रोच कितने आइदर ए ऑफ आई और स्टार ए प्लस आई सिमिलरली नेक्स्ट केस मीन्स अगेन पर अभी तक आपने सिंटेक्स क्या यूज किया था लाइक है ए ऑफ आई सेम एज आई ऑफ ए बी कैसा केस है वैलिड और इनवैलिड ऑल्सो वैलिड केस ए ऑफ आई का इक्विवेलेंट केस क्या था स्टार ए प्लस आई तो इस केस में आई ऑफ ए का भी इक्विवेलेंट मीनिंग क्या हो जाएगा स्टार आई प्लस ए क्लियर मीन्स अगर आप ए में आई को ऐड कराओ या आई में ए को ऐड कराओ दोनों के मीनिंग कैसे हैं सेम इसलिए इन दोनों के भी मीनिंग कैसे ऑल्सो सेम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट डाउन करता हूँ जीरो ऑफ ए इज इट वैलिड और इनवैलिड केस इट इज ऑल्सो वैलिड क्योंकि इसका कन्वर्जन क्या रहेगा स्टार आई के प्लेस पर ऑकर क्या होगा जस्ट जीरो एंड ए के प्लेस पर क्या जाएगा ए के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100 तो अगेन इस केस में एडिशन क्या मिलेगा आपको स्टार 100 और स्टार 100 के केस में रिजल्ट क्या मिलेगा वैल्यू अवेलेबल एट 100 एड्रेस और 100 एड्रेस में वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 10 सेम एज वन मोर केस अगर मैं राइट डाउन करता हूँ वन ऑफ ए को भी जब आप पॉइंटर के फॉर्म में प्रोसेस करोगे तो उसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या आएगा जस्ट आई के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ 1 देन 1 प्लस 100
अगेन इस केस में भी एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा, स्टार 102, और स्टार 102 में वैल्यू का स्टोर है 20, इसलिए वन ऑफ ए के केस में वैल्यू क्या मिलेगा आपको 20, सेम एज टू ऑफ ए, टू ऑफ ए के केस में वैल्यू क्या मिलेगा आपको 30, बिकॉज स्टार 2 प्लस ए, ए के प्लेस पर क्या आएगा 100, तो इसका अगेन एडिशन क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा स्टार 104, और स्टार 104 में वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, ऑलरेडी मैंने लोकेशन का नेम मेंशन किया स्टार 104, रिजल्ट क्या इस केस में आएगा 30। फाइनली इसको एक्सेस करने के अदर अप्रोच क्या हो सकते हैं, वह जीरो ऑफ ए, वन ऑफ ए, टू ऑफ ए, सेम एज थ्री ऑफ ए एंड फोर ऑफ ए, क्लियर। अदर वे स्टार जीरो प्लस ए, स्टार वन प्लस ए एंड सो ऑन। तो फाइनली इस केस में एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के टोटल कितने अप्रोच हुए आपके पास, फोर अप्रोच यूजिंग बेस्ड ऑन दिस पॉइंटर प्रॉपर्टीज। इस केस में जस्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ एलिमेंट ऑफ दिस एरे यूजिंग प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के केसेस में जस्ट अभी तक आपने यूज क्या किया था, प्रीवियस केस एज लाइक दैट, प्रिंट एफ परसेंट डी, ओनली मैं बिगिनिंग थ्री एलिमेंट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस। परसेंट डी भी कितनी बार यूज करें, ओनली थ्री टाइम्स, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, डिस्प्ले कराए ए जीरो, ए वन एंड ए टू। इस केस में जस्ट आपको आउटपुट और रिजल्ट क्या मिलेगा, ए जीरो के केस में जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए जीरो विच इज 10, देन 20, देन 30। सेम एज इस केस में मैं डिस्प्ले करा दूँ सम वाई यूजिंग सम अदर वे, अदर वे क्या आपके पास इक्विवेलेंटली डायरेक्टली पॉइंटर कन्वर्जन। मीन्स फर्स्ट केस में मैंने राइट डाउन क्या किया था, जस्ट ए ऑफ आई फॉर्मेट, ए ऑफ आई डायरेक्टली प्रोसेस हुआ होगा या पहले पॉइंटर में कन्वर्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर, लेकिन इस केस में पॉइंटर कन्वर्जन में डायरेक्टली राइट डाउन कर रहा हूँ, इट इज ऑल्सो वैलिड स्टार ए प्लस जीरो, स्टार ए प्लस वन एंड स्टार ए प्लस टू। देन अगेन इसका मीनिंग कैसा, सेम जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस प्रॉपर्टी। तो ए जीरो के केस में क्या डिस्प्ले हुआ, अगेन 10, 20 और 30। ऑलरेडी मैंने लोकेशन के नेम भी मेंशन किए हैं, स्टार ए जीरो के केस में वैल्यू क्या है 10, स्टार ए प्लस वन के केस में वैल्यू क्या है 20, सेम स्टार ए प्लस टू के केस में वैल्यू क्या है 30। अदर अप्रोच प्रिंट एफ परसेंट डी एंड परसेंट डी, देन अगेन मैंने इस केस में डिस्प्ले करा बाई यूजिंग लाइक दैट, जीरो ऑफ ए इज इट वैलिड और इनवैलिड, वैलिड, जीरो ऑफ ए में क्या स्टोर है 10, इसलिए इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ वैल्यू एज 10, सेम एज वन ऑफ ए, वन ऑफ ए के केस में डिस्प्ले क्या हुआ ऑल्सो वैल्यू ऑफ वन ऑफ ए विच इज 20, सेम एज टू ऑफ ए, इस केस में क्या डिस्प्ले हुआ वैल्यू एज 30। तो अगेन इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ 10, 20, 30, सेम एज इस लाइन को भी यूज करके डिस्प्ले कराना पॉसिबल। फाइनली इन तीनों ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स के एग्जैक्टली मीनिंग कैसे हैं, सेम मीनिंग और डिफरेंट मीनिंग, एग्जैक्टली सेम मीनिंग। मीन हमेशा याद रखना, जब भी आप कहीं भी पॉइंटर एरे का नेम यूज करोगे देन एरे नेम के प्लेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या हुआ, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे और बेस एड्रेस ऑफ द होल एरे। मीन बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ना अगेन मैं इस केस में डिस्कशन प्रोवाइड कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए ऑफ जीरो एंड ओनली ए। मीन्स चेक करें इस केस में तीनों ही एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है डिफरेंट है। अगेन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ, सम एरे डिक्लेरेशन एज इंट ए फाइव इक्वल्स टू, अगेन एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर। इसे प्रॉपर्टी भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में अगेन क्रिएट किया जाएगा सिंपली एरे, इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट में असाइन क्या हो रहा, वैल्यू एज 1, 2, 3, 4 एंड 5, एड्रेस अगर 100 है देन नेम क्या हुआ, सॉरी अदर एड्रेस क्या हुआ 102, 104, 106 एंड 108। इस होल एरे की बात करें तो होल एरे का नेम क्या है या इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या, सिंपली ए। इस लोकेशन का एड्रेस 100 है इसलिए नेम क्या होगा, स्टार 100, स्टार 102, स्टार
104, स्टार 106 एंड स्टार 108। इस लोकेशन का नेम क्या है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 एंड सो ऑन। क्लियर। फाइनल डिस्कशन डिस्कस क्या करना आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री डिक्लेरेशंस। अगर आप सिंपली एड्रेस ऑफ ए यूज कर दे, देन एड्रेस ऑफ ए मींस इस होल कंप्लीट एरे का बेस एड्रेस। इस एरे का बेस एड्रेस क्या है, 100। तो एड्रेस ऑफ ए के केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 100 अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सेम है अगर मैं डिस्प्ले कराता हूं एड्रेस ऑफ ए जीरो, ए जीरो की बात करें, ए जीरो एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है, ऑल्सो 100। सेम है अगर मैं यूज करता हूँ ओनली एरे नेम ए, तो ए के प्लेस पर भी क्या आएगा, बेस एड्रेस, देन अगेन क्या आएगा इस केस में 100। मीन्स तीनों ही केसेस में करंटली रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होंगे, सेम रिजल्ट और डिफरेंट रिजल्ट्स, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। अगर आपको डिस्प्ले कराना देन सिंपली यूज करोगे एज अ प्रिंट एफ परसेंट यू परसेंट यू परसेंट यू, देन एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए जीरो एंड ओनली ए। इस केस में फाइनली आउटपुट क्या डिस्प्ले हो गया, 3 times 100। इस केस में चेक करना है से ए किसके इक्विवेलेंट है, ए इज इक्विवेलेंट टू एड्रेस ऑफ ए, और ए इज इक्विवेलेंट टू एड्रेस ऑफ ए जीरो, और ऑल आर हैविंग सेम मीनिंग्स। मींस इस केस में अगर ए की बात करें तो ए एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, एड्रेस ऑफ ए, नॉट सॉरी एड्रेस ऑफ ए जीरो, इक्विवेलेंट किसके, एड्रेस ऑफ ए जीरो। जस्ट इसको प्रूव करने के लिए मैं अदर स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट वन। अगर मैं इसे एड्रेस ऑफ ए में 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम एज इंक्रीमेंट इन ए। अगर ये दोनों सेम है देन अगेन इस केस में रिजल्ट्स कैसे आना चाहिए, सेम रिजल्ट्स। लेकिन इस केस में स्पेशली याद रखना, एड्रेस ऑफ ए रिप्रेजेंट क्या करता है, होल एरे का बेस एड्रेस, और इसे एरे का साइज क्या है, 10 bytes। इसलिए जब भी आप इसे होल एरे के बेस एड्रेस में अगर आप इंक्रीमेंट करो, तो इंक्रीमेंट किससे हुआ, साइज ऑफ कंप्लीट एरे, इस एरे का साइज क्या है, 10 bytes। तो इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा, 10 से। एड्रेस ऑफ ए के प्लेस पर क्या आएगा, जस्ट 100 प्लस 1 में मल्टीप्लाई किससे हुआ, साइज ऑफ दिस एरे विच इज 10। तो फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 110। सेकंड केस में ए के केस में जस्ट मैंने आपको नोट डाउन भी कराया था, एरे नेम इज इज अ बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है, ओनली 2 bytes। तो अगर आप एरे नेम में डायरेक्टली 1 से इंक्रीमेंट करोगे, तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है, 2। इसलिए इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ओनली 102। सेम एज इन केस ऑफ एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, एड्रेस ऑफ ए 0 प्लस 1। इस केस में भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए 0 से आपको एड्रेस किसका मिला, ओनली फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या, मीन से इस केस में एड्रेस कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट करा, ओनली 2 bytes। इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, अगेन 2। इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 102। और आपको प्रूव करना देन डिस्प्ले करा सकते हो बाई यूजिंग अगेन प्रिंट टैब। जैसे इस केस में आप यूज क्या करो, परसेंट यू, देन डिस्प्ले कराओ यूजिंग एड्रेस ऑफ ए प्लस 1 एंड एड्रेस ऑफ ए 0 प्लस 1 कॉमा ओनली ए प्लस 1। देन इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या मिला था, जस्ट 3 times 100। इन फर्स्ट केस, फर्स्ट प्रिंट टैप के थ्रू क्या डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट 100 एंड 100। लेकिन सेकेंड केस में क्या डिस्प्ले होगा, इस केस में इंक्रीमेंट कितने से हुआ, 10 से, तो इसलिए क्या आएगा, 110। नेक्स्ट केस में इंक्रीमेंट कितने से हुआ, 2 से, तो क्या आएगा, 102 102। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गिवन एक्सप्रेशन। फाइनली इस केस में कंक्लूजन क्या, जब भी आप एरे का नेम यूज कर दो, तो एरे नेम से होल एरे का एड्रेस रिप्रेजेंट होता है या ओनली फर्स्ट एलिमेंट। सपोज दैट अगर मैं मान लेता हूँ इस केस में एरे नेम से होल एरे का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है, देन उस केस में इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए, होल एरे साइज, और होल एरे का साइज क्या है, 10 bytes, देन इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए, 10 से। जबकि इंक्रीमेंट इस केस में क्या मिल रहा है आपको, 10 से या 2 से, ओनली 2। तो इसका मतलब यहाँ इंक्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, अकॉर्डिंग टू बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा इस केस में, जब भी आप एरे नेम में इंक्रीमेंट करो, देन एरे नेम के केसेस में इंक्रीमेंट किस में हुआ, होल एरे एड्रेस में, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस में, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस में। मीन्स फाइनली एड्रेस ऑफ ए 0 इक्विवेलेंट किसके, इट इज इक्विवेलेंट टू ए।
इन दोनों एक्सप्रेशन के मीनिंग कैसे सेम, इसको प्रूव भी करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, अगर मैं इस केस में लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है एड्रेस ऑफ ए जीरो, देन इस पर्टिकुलर केस में ए ऑफ जीरो के किस बात करें तो ए ऑफ जीरो का इक्वेलेंट मीनिंग क्या होगा, ए ऑफ जीरो इज इक्वेलेंट टू स्टार ए प्लस जीरो। इसे ए जीरो के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं, स्टार ए प्लस जीरो। जस्ट मैंने आपको पॉइंटर में एक्सप्लेन किया था, पॉइंटर के केस में किसी भी वेरिएबल के साथ जब स्टार और एड्रेस स्टार एंड एम परसेंट साइन दोनों ही जब एक साथ अप्लाई करते हैं ये एक दूसरे से ऑलवेज कैंसिल हो जाएंगे, देन कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपको क्या मिलेगा इस केस में ए प्लस जीरो। और ए में अगर आप जीरो से इंक्रीमेंट करोगे तो इक्वेलेंट किसके लॉजिकली ए, क्लियर। तो फाइनली इस केस में एड्रेस ऑफ ए जीरो इक्वेलेंट किसके, इट इज इक्वेलेंट टू ए, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला मैं प्रूफ किस में हो रहा है इक्वेलेंट ए, क्लियर। वन मोर केस मीन्स व्हाई वी कैन नॉट परफॉर्म इंक्रीमेंट इन एरे नेम, मीन्स एरे नेम में ना ही असाइनमेंट करना पॉसिबल होता ना ही इंक्रीमेंट करना पॉसिबल होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओनली वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर वैल्यूज। इस केस में फाइनली ए इटसेल्फ डायरेक्टली अवेलेबल हुआ है, ये ए क्या है, ए इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ एड्रेस ऑफ ए जीरो, मीन्स एड्रेस ऑफ ए जीरो कन्वर्ट किस में हुआ ए में, मीन्स फाइनली कहीं ना कहीं इसके साथ ऑपरेशन अप्लाई हुआ ऑपरेटर अप्लाई हुआ। जब भी किसी वेरिएबल के साथ ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, वेरिएबल्स के फॉर्म में और वैल्यूज के फॉर्म में, वैल्यूज के फॉर्म में। इसे ए इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बेस एड्रेस विच इज कॉन्स्टेंट वैल्यू। अगर आप ए में इंक्रीमेंट करने के लिए ट्राई करो तो नहीं इक्वेलेंट किसके है लाइक 100 प्लस प्लस, और जब भी आप वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं रेज क्या होता है एल वैल्यू रिक्वायर्ड, सेम है जिसके इसमें रेज क्या होगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड सेम है। अगर आप राइट डाउन करते ए इक्वल्स टू तो इसका मीनिंग क्या है लाइक 100 इक्वल्स टू, जब भी वैल्यू में वैल्यू असाइन करते तब भी रेज क्या होता है अगेन एल वैल्यू रिक्वायर्ड सेम है। वन मोर केस, प्रीवियस केस मैंने फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किस में किया था राइट हैंड साइड में, सिमिलरली अगर मैं ए को लेकर चलता हूँ देन ए किसके इक्वलेंट है, इट इज इक्वलेंट टू एड्रेस ऑफ ए जीरो। अगेन इसको प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए, ए के केस में बात करें तो ए के साथ जीरो को ऐड कराना पॉसिबल है कि नहीं, इट इज वैलिड, मीन्स किसी भी नंबर में जीरो ऐड कराना पॉसिबल एट एनी टाइम। सेम एज एम परसेंट से स्टार ऑलवेज कैंसिल होता है, उसका मीनिंग मीन्स जब ये कैंसिल होता है तो किसी भी प्लेस पर एड्रेस सेट और स्टार अप्लाई करना पॉसिबल है, देन अगर इसके लिए मैं अप्लाई करता हूँ एड्रेस सेट एंड स्टार अगेन इसका मीनिंग कैसा सेम, देन इस पर्टिकुलर प्लेस पर आप राइट डाउन क्या कर सकते हो ए ऑफ जीरो, देन ए किसके इक्विवेलेंट है एड्रेस ऑफ ए ऑफ जीरो।